अस्सलाम वालेकुम, एज यू ऑल नो दिस इज मी असदुल्लाह शेख एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच टू लर्न। पावर्टी, गुर्बत, इस दुनिया में 7 अरब इंसान रहते हैं, जिनमें से 3 अरब इंसान ऐसे हैं जो कि पावर्टी में रह रहे हैं, गुर्बत में रह रहे हैं। और इन 3 अरब में से 1.3 बिलियन, 1.3 अरब इंसान ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पावर्टी में रह रहे हैं। एक होती है पावर्टी, दूसरी होती है एक्सट्रीम पावर्टी, मतलब गरीब होने में से भी और ज्यादा गरीब होना। जो 1.3 बिलियन पीपल हैं, जो 1.3 अरब इंसान हैं, वो करीबन एक दिन का $1.50 भी नहीं कमाते, $1.25 कमाते हैं एक दिन का। $1.25 अगर पाकिस्तान की करेंसी से इसको कंपेयर करूं तो ये बन जाते हैं 200 रुपए से भी कम। मतलब एक इंसान 200 रुपए कमा रहा है, खुद को खाने के, मतलब खाना खिलाने के लिए, खुद के कपड़े पहनने के लिए, तीसरी अगर उसके माँ बाप हैं उसको खिलाने के लिए, उसकी शादी हुई है तो उसकी बीवी के, अपने बच्चों के लिए। मतलब 200 रुपए में वो खुद खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, अपने माँ बाप को खिलाएगा, क्या करेगा? ज्यादा गरीब होना इस दुनिया में ऐसा माना जाता है कि आप एक क्राइम कर रहे हैं। ये कैसे? एक इंसान जो गरीब होता है, जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए भी कुछ नहीं होता, वो क्या करता है? या तो वो रोबरीज करता है, या तो वो क्या करता है, लोगों को मारता है, टारगेट किलिंग करता है, चुन चुन के लोगों को मारता है। वो क्यों करता है? उसको पैसे की जरूरत होती है, और जिसको पैसे की जरूरत होती है उसको ये जरूरत नहीं होती, मतलब उसको ये पता नहीं चलता कि मेरी इमेज क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या इससे मेरी मतलब इज्जत कम होगी या बढ़ेगी। उसको कुछ मतलब जरूरत नहीं होती, उसको जरूरत होती है सिर्फ पैसे की, और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको खाना खाना है। उसके पास पैसे नहीं है कि वो खाना लेके खाए, अपनी फैमिली को खिलाए, तो वो इन कामों पर उतर आता है। वो लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है, वो रोबरीज करना शुरू कर देता है, वो क्राइम्स करना शुरू कर देता है। इसीलिए पूरी दुनिया के हिसाब से जो गरीब होते हैं वो मतलब क्राइम की दुनिया में रहते हैं, वो एक खुद क्राइम है। अगर एक इंसान गरीब है, अगर मैं गरीब हूं, तो दुनिया के लिए मैं एक क्राइम हूं क्योंकि मैं लोगों को मारता हूं, पीटता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उनसे पैसे लूंगा और खाना खाने के लिए वो पैसे यूज करूंगा। यूनिसेफ एक इदारा है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि वो बच्चों की मदद करे, जो कि लावारिस बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी मदद करे, या चाइल्ड लेबर जो हो रहा है उनको इरेडिकेट करने में मदद करे। उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो 1.3 अरब इंसान पावर्टी में रह रहे हैं, उनमें से 1 अरब इंसान बच्चे हैं। मतलब जो 130 करोड़ इंसान गरीब हैं, उनमें से 100 करोड़ तो सिर्फ बच्चे हैं। और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज 25,000 लोग मरते हैं। 25,000 में से सिर्फ 22,000 तो बच्चे होते हैं जो मरते हैं डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर 22,000 बच्चे मरते हैं इस वजह से कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मैं वीकली रिपोर्ट नहीं बता रहा, ना ही मैं मंथली रिपोर्ट बता रहा हूँ, ना ही मैं ईयरली रिपोर्ट बता रहा हूँ, बल्कि डे के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक दिन में 22,000 सिर्फ बच्चे मरते हैं पावर्टी की वजह से। इस पूरी दुनिया में 80 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। इस पूरी दुनिया में 7 अरब इंसान रहते हैं, जिनमें से 80 करोड़ 50 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, जो फूड बैंक्स हैं, जो कि खाना फराम कर दी है, मतलब उन लोगों को जो खरीद नहीं सकते, गरीब लोगों को जो खाना फराम कर दिए हैं फूड बैंक्स, उनका कहना है हमारे पास इतना खाना नहीं होता कि हम उन सब लोगों को खाना दे सकें, 80 करोड़ 50 लाख लोगों को खाना दे सकें, हमारे पास इतना खाना नहीं होता। इस पूरी दुनिया में 75 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनको साफ पानी नहीं मिल रहा, और साफ पानी ना मिलने की वजह से उनको डायरिया हो जाता है, और डायरिया होने की वजह से करीबन हर साल 8.5 लाख लोग मरते हैं। मतलब साफ पानी ना मिलने की वजह से उनको डायरिया हो जाता है, हैंड हाइजीन की वजह से 8.5 लाख लोग मर जाते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको कन्वर्ट करें एक दिन के हिसाब से, तो एक दिन में 2300 लोग मरते हैं। 2300 पीपल डाई जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग सेफ वाटर, अ क्लीन वाटर। इस पूरी दुनिया में 20 लाख बच्चे एक साल की उम्र में ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डायरिया और निमोनिया की वैक्सीन खरीद सके और वो लगवा सके, और इस वजह से ना ही वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं और कभी कभी तो वो मर भी जाते हैं। मतलब 20 लाख बच्चे इस पूरी दुनिया में हर साल एक साल की उम्र के नीचे से ही वो या तो मर जाते हैं, या तो वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते, इस वजह से क्योंकि पैसे नहीं होते कि वो निमोनिया और डायरिया की वैक्सीन खरीद सकें और वो लगवा सकें।
2013 की रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 2 करोड़ 18 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि डोजेज हासिल नहीं कर पाते, डिफ्थेरिया और टेटानस बीमारी के वैक्सीन के डोजेज हासिल नहीं कर पाते और वो 1 साल की उम्र से नीचे से ही मतलब वो मर जाते हैं। वो 1 साल के भी नहीं होते, या तो वो मर जाते हैं या तो वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते कि वो वैक्सीन खरीद सकें टेटानस की या फिर डिफ्थेरिया की। इस दुनिया की पॉपुलेशन जो कि 7 अरब इंसान है, 7 बिलियन है, उनका चौथा हिस्सा मतलब अगर हम 7 अरब में से 1.6 बिलियन लोगों को एक तरफ रखें, उन पूरे लोगों को 1.6 बिलियन लोगों को बिजली नहीं दी जाती इस पूरी दुनिया में। उनको मतलब बिजली से महरूम रखा गया है क्योंकि वो लोग पैसे नहीं देते बिजली के, या वो पे नहीं कर सकते बिल्स वगैरह, इसी वजह से उनको बिजली नहीं दी जाती। 1.6 अरब इंसान मतलब 1.6 बिलियन पीपल आर अनएबल टू गेट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दे कैन नॉट पे दी बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरी दुनिया में 7 अरब इंसान रहते हैं, अगर हम इन 7 अरब में से 20% अलग करें मतलब 1.4 अरब इंसान साइड पर करें तो बकाया बन जाते हैं हमारे पास 5.6 अरब इंसान बच जाते हैं हमारे पास, जो के सिर्फ एक दिन में $10 कमाते हैं। मतलब 80% जो कि पॉपुलेशन है इस पूरी दुनिया के, वो $10 कमाते हैं। $10 कितना बन जाता है पाकिस्तानी रुपीज में? अगर हम कंपेयर करें तो ये 1500 से 1600 रुपए बन जाते हैं। मतलब इस पूरी दुनिया की 80% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए कमाती है या 1600 रुपए कमाती है इस पूरी दुनिया में एक दिन में। मतलब क्या हुआ? ये तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। अगर उनके माँ बाप हो, बच्चे हो, 4-5 बच्चे हो, उनकी बीवी हो, वो खुद के लिए, क्या 1500-1600 रुपए तो कुछ भी नहीं है एक दिन का। ऑक्सफैम जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत बड़ा इदारा है, जो कि गरीब लोग हैं जो खाना हासिल नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते, उनको खाना देता है और रहने के लिए जगह देता है, उन लोगों का कहना है, ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर जो कि दुनिया के 100 बड़े अमीर तरीन लोग हैं ना, वो अपनी इनकम का मतलब जो उनकी ईयर वाइज इनकम होती है, अगर वो साल में 100 रुपए कमाते हैं, वो 100 रुपए में से 25 रुपए से भी कम अगर वो डोनेट करें तो हम दुनिया की गुर्बत को खत्म कर सकते हैं। मतलब अगर एक इंसान साल में 100 रुपया कमाता है, उन 100 रुपए में से 20 या 25 रुपए वो डोनेट करे तो इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को मतलब खाना दिया जा सकता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म की जा सकती है। उनके हिसाब से, ऑक्सफैम के हिसाब से 60 अरब डॉलर रुपए चाहिए इस एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। 60 बिलियन US डॉलर्स नीडेड फॉर द एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनको खत्म करने के लिए, टू इरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी वी नीड 60 बिलियन US डॉलर। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों का कहना है कि गरीब लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और खाने की तरसने की वजह से वो लोग गुर्बत में चले जा रहे हैं। मतलब जो उनको भूख लग रही है, हंगर, जिसको हम हंगर कहते हैं, वो उन लोगों को ट्रैप कर रही है पावर्टी में धकेलने के लिए। और उनका कहना है कि हंगर एक ऐसी बीमारी है जो कि लोगों को इतना मार रही है, इतना मार रही है कि अगर हम एक तरफ हंगर को रखें और दूसरी तरफ डायरिया, HIV और TB को साइड में रखें, मतलब इन तीन बीमारियों को साइड में रखें और इस बीमारी को साइड पर रखें, हंगर को साइड पर रखें, तो हंगर में ज्यादा लोग मरेंगे बनिस्बत इन तीन बीमारियों के। मतलब तीन बीमारी जो कि दुनिया की बहुत बड़ी बीमारियां हैं, HIV, डायरिया और TB, इन तीनों बीमारियों को हम एक साइड पर रखें तो उतने लोग नहीं मरेंगे जितने लोग इस हंगर में मर रहे हैं, गुर्बत की वजह से मर रहे हैं, गरीबी की वजह से मर रहे हैं। बात आती है कि हम गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम उतनी ही सब्जी खरीदें जितनी हम खा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि हम ज्यादा सब्जी घर पर ले आते हैं और उसमें से आधा या चौथा ऐसा खराब हो जाता है जो कि हम फेंक देते हैं। हमें चाहिए कि हम उतनी सब्जी लाएं जितनी हम खा सकते हैं, हमें उतना ही खाना पकाना चाहिए जितना हम डेली बेसिस पर खाते हैं, ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। अक्सर घरों में ऐसा होता है, ज्यादातर खाना पकाते हैं, फिर वो जो थोड़ा सा बचता है वो हम फेंक देते हैं। अगर बचता है आप अपने नेबरहुड के लिए बचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके नेबरहुड में कुछ लोग ऐसे हों जो कि बिना खाने के ही सो जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता लेकिन हमारे नेबरहुड बिना खाने के भी सो जाते हैं। एक दुनिया का जो बड़ा रिलीजन है इस्लाम, उसमें ऐसा होता है कि एक फर्ज है हर एक इंसान पर, ये चीज फर्ज है कि वो जकात निकाले। जकात क्या है? अब जो भी चीजें हम ओन करते हैं, जितना भी हमारे ऊपर पैसा है, हमारे पास पैसा है, मतलब मैं कहूं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, मैं एक घर का मालिक हूं, तो मुझ पर ये फर्ज है, एक मुस्लिम पर ये फर्ज है कि भाई आप थोड़ा सा हिस्सा गरीबों को दे दे हर साल।
और इस पर एक हदीस भी है कि आप जितनी चैरिटी करते हैं, जितनी ज़कात देते हैं, जितनी लोगों की मदद करते हैं, ये आपकी मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उसको कम नहीं करता, ऊपर से बढ़ा देता है। तो इस्लाम में ये फर्ज है, इस्लाम में पांच फर्ज हैं एक मोमिन पर, एक मुस्लिम मतलब इंसान पर पांच फर्ज हैं, जिसमें से एक फर्ज ये है कि आपको ज़कात देनी है, गरीबों की मदद करनी है। सबसे पहले आप अपने घरों में देखें, हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर गरीब हो, आप उसकी मदद करें। अगर आपका फैमिली मेंबर गरीब नहीं, आप अपने नायबर को देखें, अगर हो सकता है आपका नायबर गरीब हो, आप उसको मतलब मदद करें। उसके साथ अगर आपका नायबर भी गरीब नहीं है तो आप किसी और गरीब को दे दें और उनको ये कहें कि भाई ये पैसे हैं, इसमें से तुम खाओ पियो, बिजनेस करो, हो सकता है अगले साल तुम खुद ज़कात देने के लायक बन जाओ और दूसरे गरीबों की मदद करना शुरू कर दो। मतलब ये बहुत बेहतरीन बात है एक मजहब के हिसाब से, और यही चीजें ही एक मजहब को आगे ले जाती हैं, मतलब सुपरियोरिटी देती हैं। हमारे लिए जो थोड़ा सा खाना होता है ना बचा हुआ, हमारे लिए तो मतलब कुछ भी अहमियत नहीं रखता, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये एक सोर्स बन जाता है एक दिन ज्यादा मतलब जीने के लिए। हो सकता है वो 2-3 दिनों से भूखे हों और आपके थोड़े से खाने की वजह से उनको मतलब राहत मिल जाए और एक दिन ज्यादा जीने की वजह बन जाए वो थोड़ा सा खाना। तो जितना हो सके गरीबों की मदद करें। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकता है तो शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। नीचे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आपको। सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हासिल करने के लिए और देखते रहें वॉच टू लर्न। शुक्रिया।